सरहद पार से आए आतंकी अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी इमारतें भी हो सकती हैं। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हुई है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। उधर नौसेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी कठुआ डोडा नौशेरा आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं, सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे DIG और SSP पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है।